एक बार फिर ऑनलाइन यूजर्स का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। इस बार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बास्केट के 2 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबल के मुताबिक हैकर ने इस डेटा को तकरीबन 40,000 अमेरिकी डॉलर में बेचने के लिए डार्क वेब पर डाला है। डेटा लीक होने के बाद कंपनी ने बेंगलुरु में साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले का खुलासा साइबल के एक ब्लॉग में हुआ। साइबल ने ब्लॉग में लिखा है कि हमारी रिसर्च टीम ने अपनी रूटीन वेब मॉनिटरिंग के दौरान डार्क वेब पर बिग बास्केट के डेटा को बिकता हुआ देखा। इस डेटा फाइल का साइज तकरीबन 15 GB का है, जिसमें 2 करोड़ यूजर्स का डेटा है और इसकी कीमत $40,000 रखी गई है। साइबल की रिपोर्ट के मुताबिक लीक डेटा में यूजर्स का नाम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ उनकी लोकेशन और लॉगिन करने वाली डिवाइसेस के आईपी एड्रेस भी दिए हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस डेटा की चोरी 30 अक्टूबर को हुई है। इस खुलासे के बाद बिग बास्केट कंपनी ने एक बयान में डेटा लीक होने की जानकारी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि इस दावे के बाद साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों से जांच कराई जा रही है और ग्राहकों का डाटा सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिग बास्केट में चीन की कंपनी अलीबाबा, मिराए एसेट, नेवर एशिया ग्रोथ फंड और ब्रिटिश सरकार के CDC ग्रुप की फंडिंग है।